नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार दिखा रहे हैं आपको पब्लिक के साथ सीधी बातचीत, जानते हैं कि ऐसा अनुभव है इन लोगों का डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? पूनम इंशा। पूनम जी, कितने समय से जानते हो आप डेरा सच्चा सौदा संस्था? मैं 2008 से नाम लिया है मैंने। कितना विश्वास करते हो? मैं पूरा विश्वास करती हूँ। क्यों विश्वास करते हो? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास? आज हमारे परिवार मस्ताना जी के टाइम से जुड़ा हुआ है और हमारे परिवार में नान नशा है, सब डेरे की तरफ चलते हैं हम सब। पिताजी पे हमें पूरा विश्वास है, जो वो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। क्या किया है उन्होंने समाज के लिए? उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कार्य, भलाई कार्य किए हैं और वो हमारे देश में जब भी कोई विपदा आती है तो सबसे आगे खड़े होते हैं। मैम, जो भी तमाम आरोप लगाए गए हैं संत जी के ऊपर दूसरी तरफ, उसके बारे में क्या कहते हैं? वो सब निराधार हैं और संत गुरु जी सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे। 4-4.5 साल हो गए हैं संत जी समाज में नहीं है, उनके ना रहने से क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर संत जी समाज में होते तो हमारे देश में जो विपदा आई है, जो महामारी है, उसमें सबसे आगे खड़े होती। और अभी वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी रह के होते हुए भी अपनी संगत को भी प्रेरणा दे रहे हैं। जरूरत है मैम उनके समाज? 100% जरूरत है। वो आ जाएंगे समाज में तो क्या बदलाव आएगा, तो कैसा माहौल? अच्छा माहौल होगा और बीमारियां नशे से दूर होगा देश हमारा। अपील करोगे सरकार से, क्या मांग? हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस गुरु जी सब जो आरोप लगे वो निराधार हैं और उनको रिहा किया जाए, बाइज्जत बरी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की अपील मांगे कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी सा समाज में वापस आने चाहिए। जो भी आरोप तमाम बातें उनके बारे में उठाई जा रही है, इनका मानना है कि तमाम झूठ बोला जा रहा है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, द फैक्ट टाइम के साथ।